नमस्ते, उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज मैं आप लोगों को कैनरा बैंक का आप एटीएम फॉर्म कैसे भरेंगे उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, कैनरा बैंक का एटीएम फॉर्म कुछ इस प्रकार का होता है। ये आपको बैंक से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसको भरना कैसे है। तो सबसे पहले आप देखिए, फ्रॉम यानी कि लेफ्ट साइड में आप चलेंगे तो फ्रॉम लिखा हुआ है, यानी कि आप कहाँ से भरने जा रहे हैं। आप अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे, विलेज, पोस्ट, ब्लॉक, जो भी है वो सारा कुछ आप अपना एड्रेस लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट के साथ। टू, कैनरा बैंक लिखा हुआ है राइट साइड में, आप ब्रांच का नाम लिखेंगे। उसके बाद वहाँ का जो कोड होता है वो कोड लिखेंगे, और नीचे डेट लिखना है, जो भी डेट को आप ये फॉर्म भरने जा रहे हैं वो डेट लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जब नीचे चलेंगे तो लिखा हुआ है प्लीज इश्यू मी अ कैनरा बैंक डेबिट कार्ड एज अ रिक्वेस्टेड हेरेंडर। मतलब कि आपको किस तरह का डेबिट कार्ड चाहिए, यानी कि एटीएम कार्ड चाहिए, उसके उसमें आपको टिक करना है। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि पहला में न्यू या एडिशनल या रिप्लेसमेंट, यानी कि आप नए कार्ड अगर बनवाना चाहते हैं तो न्यू में टिक करेंगे, या एडिशनल जैसे कि अगर आपके पास एक एटीएम कार्ड है और एक्स्ट्रा आप एक एटीएम कार्ड बनवाना चाहते हैं तो फिर आप एडिशनल में टिक करेंगे, और अगर आप रिप्लेसमेंट चाहते हैं तो फिर रिप्लेसमेंट में टिक करेंगे। और दूसरे नंबर में चलेंगे तो दूसरे नंबर में लिखा हुआ है कि आप किस तरह का कार्ड चाहते हैं, रुपए कार्ड चाहते हैं या वीज़ा कार्ड चाहते हैं या मास्टर कार्ड चाहते हैं, जो भी कार्ड आप चाहते हैं उस कार्ड में जो कॉल्यूम है उसमें आप टिक करेंगे। उसके नीचे चलेंगे तो लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इस कॉल्यूम में भर देना है। उसके बाद पैन नंबर लिखा हुआ है, पैन नंबर आपको पैन नंबर वाले कॉल्यूम में आपको भर देना है। उसके बाद आपको अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर का जो कॉल्यूम है इसमें आपको अपना मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद जब थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है नेम एज अ रिक्वायर्ड ऑन द कैनरा डेबिट कार्ड, यानी कि आप जो अपने डेबिट कार्ड है उस पर आप क्या नाम लिखवाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर भरना है इस कॉल्यूम में। तो आप इस बॉक्स में आपको यहाँ पर भर देना है जो भी नाम आप उसमें अंकित करवाना चाहते हैं। उसके बाद नीचे चलेंगे तो लिखा हुआ है अकाउंट नंबर टू विच कैनरा डेबिट कार्ड इज टू बी लिंक्ड, यानी कि आपका जो डेबिट कार्ड होगा वो कौन से बैंक अकाउंट, यानी कि कौन से कैनरा बैंक अकाउंट से लिंक होगा वो नंबर आपको लिखना है। तो पहले वाले में जो प्राइमरी अकाउंट है, यानी कि पहला जो आपको प्राइमरी अकाउंट है वो पहले देना है, और उसके साथ साथ अगर आप कैनरा बैंक में और भी आपका अकाउंट है तो आप नीचे दे सकते हैं। तो इस तरह से ये चार कॉल्यूम है, इसमें पहला जो आपका प्राइमरी अकाउंट है उसमें आपको अकाउंट नंबर देना ही देना है आपको अपना वाला। इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट ऑपरेशन कुड बी ऑपरेशन कंडीशन शुड बी सीवियरली, यानी कि अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो फिर जो मतलब टर्म एंड कंडीशन है वो कुछ अलग हो सकता है। अब नीचे चलेंगे तो फिर लिखा हुआ है कि जो भी सारा कंडीशन है उसको मैंने सोच समझ लिया है, फुलफिल किया हुआ है, अगर मैं कुछ भी गलत करता हूँ तो मेरे कैनरा बैंक का जो एटीएम कार्ड है उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसके बाद थैंक यू और योर्स फैथफुली लिखा हुआ है। अब नीचे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर, यानी कि आपका जो सिग्नेचर है वो आप लेफ्ट साइड में यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, और इस तरह से जो और फिर नीचे चलेंगे तो लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ओनली, यानी कि नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से जो कैनरा बैंक का जो एटीएम फॉर्म होता है इसको आप भरेंगे, और आप वहाँ पर जो कर्मी होते हैं वहाँ पर इस फॉर्म को अपने जो पासबुक हैं उसके जीरोक्स के साथ आप जमा करेंगे। तो इस तरह से आप कैनरा बैंक का एटीएम फॉर्म भरेंगे। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।